Hey guys, this is me, Manish Indraksh, and I'm back with my new video. So first of all, I want to wish you Merry Christmas and a Happy New Year in advance. So जब मैं आपसे last time मिला था, तब मैं Rotterdam, Netherlands में था. Then वहाँ से निकलने के बाद all the way from English Channel to Bay of Whiskey and then North Atlantic Ocean. और उसके बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं North West area of the Africa. And जिस जगह पे अभी हम लोग पहुँचे हैं, this is Port Safi and it's in the country Morocco. आप लोगों ने शायद मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना. उसमें मैंने बे ऑफ विस्की का बैड वेदर का एक टाइम लैप्स बनाया है, सो यू कैन गेट द आइडिया कि शिप कैसे रोलिंग एंड पिचिंग करती है इन बैड वेदर. सो आप लोग सोचते होंगे कि शिप शायद सिर्फ स्टेबल चलती है पानी के ऊपर, बहुत सीधी सी, बट दिस इज नॉट द केस. एंड नाउ 2 days इज रिमेनिंग फॉर द क्रिसमस. सो हम लोग शायद कल इवनिंग में यहाँ से निकल जाएंगे एंड वी विल गोना सेलिब्रेट आवर क्रिसमस in the open seas of North Atlantic Ocean. And we have some preparation for it. हम लोगों ने शायद अभी हमारे recreation rooms में Christmas trees बनाए हैं, जो कि हम लोग बाहर से खरीद के ले गए थे. हम लोगों ने decorate किया है हमारा recreation area. So we will also gonna celebrate on our ship. And this one is the small decoration on the recreation rooms for the Christmas. And यहाँ पे हम लोगों ने Christmas tree भी तैयार किया है. You can see this beautiful Christmas tree. And this is how we're going to celebrate our Christmas on the ship. And अभी जो साफी है, जो ये port साफी है, I'll gonna show you. Come with me. मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि how this place look like. And it's, believe me, this is very beautiful. You know, this is very beautiful. यहाँ पे side में mountains हैं, and there is a beach over there. We are not supposed to go outside because of this corona. This country is not allowing us to go outside. But we can see by our eyes. That's only we can do now. तो मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे बाहर कैसा व्यू है. आई लव दिस व्यू बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड दिस इज द व्यू ऑफ साफी. पूरा माउंटेन है एंड इसके ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा सिटी है ऊपर. एज यू कैन सी दिस जायंट गैंट्री क्रेन, इट्स अ ह्यूज वन. एंड देयर यू सी द ग्रैब, इट्स अ ग्रैब. एंड इसको यूज करते हैं हम लोग बल्क कार्गो से डिस्चार्जिंग करने के लिए. सो जो भी कार्गो बल्क कैरियर में रहता है वो इस ग्रैब से हम लोग पकड़ते हैं एंड उसके अंदर उसको डालते हैं, जो आप कॉनिकल शिप का देख रहे हो उसके अंदर डालते हैं. एंड उसके बाद डालने के बाद आप नीचे शायद एक बेल्ट देख रहे हो, देयर यू कैन सी अ बेल्ट ओवर देयर. उस बेल्ट से कार्गो होता हुआ, आई शो यू द कंप्लीट वन. उस बेल्ट से ये कार्गो जाता है उस कन्वेयर बेल्ट पे. एंड दिस इज गोइंग, दिस बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट इज गोइंग डायरेक्टली टू द फैक्ट्री. एंड दिस वन इज अ बल्क कैरियर शिप. यू कैन सी दैट ग्रैब, इट विल गो इनसाइड द शिप इनटू द होल्ड्स एंड वहां से वो कार्गो लेगा. एंड जो भी कार्गो डिस्चार्ज कर रहा है, दिस इज सल्फर. सो अभी वो ग्रैब नीचे गया है, वहां से वो बाहर लेके आएगा, फिर आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा. अभी वो ग्रैब जो नीचे गया था वो सल्फर लेके बाहर आ चुका है. दिस इज द ग्रैब, वो कार्गो लेके आ चुका है बाहर. एंड ऊपर वहां पे दिस देयर, वहां पे ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है पूरे ग्रैब को, इस गैंट्री क्रेन को. एंड ये वहां पर जाकर उस कॉनिकल शेप में जाकर डिस्चार्ज करेगा उसको. यू कैन सी, सो दिस इज हाउ बल्क कैरियर से डिस्चार्जिंग होती है.
like, share and subscribe this video to your friends and family members, because why should you have all the fun? So see you next time. Till then, tata, bye bye.